हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ये जो डायलॉग है अपने सनी पाजी के आवाज में सुनने में वो वाला फील आता है। तो भाई गदर 2 का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है। गदर कार दिए भाई साहब, गदर कार दिए, टीजर नहीं पूरा धमाका है भाई। टीजर अगर ऐसा हो, ट्रेलर कैसा होगा और पूरा पिक्चर के अंदर तो भाई अलग ही लेवल माहौल होने वाला है। मैं वेट कर रहा हूँ। गदर एक प्रेम कथा जो पार्ट 1 था उसके अंदर जो अशरफ अली करके जो सनी पाजी जो चिल्लाते ना, जब भी वो डायलॉग फोड़ते वो अलग ही लेवल एग्रेशन में होते हैं। उनका जो वॉयस है और जिस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला के वो डायलॉग्स मारते ना, वो अलग ही लेवल होता है। उस मोमेंट पे भाई जब थिएटर में बैठ के आप मूवी इंजॉय कर रहे हो ना भाई, पूरा थिएटर से गूंज उठता है वो जो जब वो चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोलते हैं। वो कोई भी डायलॉग हो, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग हो या फिर गदर के अंदर अशरफ अली करके वो चिल्ला के डायलॉग बोलना हो, हर वो डायलॉग सनी देओल पाजी का अलग ही लेवल माहौल कर देता है। ये टीजर मैंने इससे पहले लीक फुटेज जो भी चीजें था मैंने देख रखा था, वो HD प्रिंट के अंदर नहीं था। तो आज फुल HD प्रिंट के अंदर जब मैंने ये टीजर देखा भाई, जो सीरियसली बता रहा हूँ, मजा आ गया। मैं वेट करूंगा भी ट्रेलर के अंदर और चीजें देखने को मिलेगा। जितना भी लोग यहाँ पे सनी पाजी का देखने को मिला है, इम्प्रेसिव लग रहा है, काफी सही लग रहा है। अभी भी ना वो पहला वाला सनी देओल जो है, सनी पाजी जो है, अभी भी भाई बरकरार है। और ये एक ऐसा मूवी है ना जो सब देखना चाहे। मुझे इस टाइम पे थोड़ा हैरानी हो रहा है कि इस मूवी को लेकर जो बस है ना वो थोड़ा कम हो चुका है। जब अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम पे भाई अलग लेवल सीन था कि हाँ भाई गदर 2 आएगा, सनी देओल पाजी फिर से उस अवतार में वापस आएंगे, भाई अलग लेवल माहौल होगा भाई। उसके बाद जैसे जैसे सीन आगे गया ना, इस मूवी का जो हाइप है वो धीरे धीरे कम होता गया। इसीलिए भी इनके मेकर सनी देओल पाजी भी खुल के जो सामने आके चीजें नहीं करे। मुझे लगा था कि शायद चीजें थोड़ा और अच्छा मार्केटिंग करना चाहिए, जिससे कि बस बना रहे पोस्टर चीजें और निकालना चाहिए था, मोशन पोस्टर थोड़े बहुत चीजें निकालने चाहिए थे, एक्शन क्लिप, पता नहीं वो मेकर्स ने सोचा होगा कुछ अलग, बट जो भी है मुझे ऐसा लगा। तो मैंने कहा क्या कहना है आप लोग इस विषय में, मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। एंड बेसिकली टीजर की बात करूं तो 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर है। जितना भी चीजें यहाँ पे देखने को मिला, एक्शन चीजें काफी अच्छी तरह से देखने को मिला है। सनी देओल पाजी के लुक्स काफी सही लग रहे थे और भाई मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेलर का, उसके अंदर काफी और चीजें देखने को मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो आपको एक टीजर कैसा लगा मुझे उसे बताइएगा। नहीं देखा तो जी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जाके जरूर से देखिए और उसके बाद अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। तो आज के लिए इतना। अगर आपको रिव्यू पसंद है वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज के रिलेटेड रोजाना इस चैनल के ऊपर हम अपलोड करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, जय हिंद।